अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, इस वक्त हम हैं लस्टना रोड पे, जो के तौली पीर से आगे ये नया ट्रैक बना है लस्टना वाला। तौली पीर अभी नहीं रुके हैं, वापसी पर आएंगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और धूप में जो फोटोग्राफर है उनको आइडिया होगा कि वीडियो और तस्वीरें अच्छी नहीं आती, तो इसलिए हमने सोचा कि ये नया ट्रैक बना है लस्टना का, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये चूंकि नया बन गया है रोड, तो मैंने सोचा इस तरफ आए भी हैं तो चलो आज लस्टना देखते हैं। तो जनाब आपको आज लस्टना दिखाते हैं। ये रिसेंटली ही रोड कंप्लीट हुआ है और बड़ा ही शानदार और खूबसूरत रोड है। तो चले जनाब हमारे साथ लस्टना, आपको लस्टना दिखाते हैं। लस्टना ट्रैक पे ये रोड जो है जी, इस पे जाते हुए ये ऐसी इतनी खूबसूरत एक जगह आई कि दिल चाहा यहाँ पर उतर कर थोड़ी वॉक की जाए। तो जनाब मैं तो उतर गई हूँ नीचे, गाड़ी को पीछे छोड़ दिया है, पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ा सा पैदल चलेंगे और जहाँ चढ़ाई आएगी वहाँ गाड़ी में बैठ जाएंगे। ये अभी रिसेंटली ही इसकी ओपनिंग हुई है और बहुत ही शानदार कमाल की ये रोड बनी है माशाल्लाह। और मैं इस साइड पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तौली पीर से ही वापस चले गए क्योंकि उससे पहले इस साइड पे रास्ता नहीं था। और अगर आप चारों तरफ देख रहे हो तो क्या कमाल लश ग्रीन दरख्त हैं और उसके अंदर खूबसूरत लोगों के घर और पहाड़ों की चोटियाँ, बहुत ही खूबसूरत और शानदार मंजर है और वॉक करने का भी अपना ही मज़ा है यहाँ पर। नवंबर का महीना है, सर्दी इतनी ख़ास कोई नहीं है, ठीक है मौसम, मतलब अच्छा मौसम है, आप इसको अच्छा मौसम कह सकते हैं। और आसान नहीं है ये रोड, अच्छी खासी चढ़ाइयाँ हैं, अच्छी खासी चढ़ाइयाँ भी हैं और उतराइयाँ भी हैं। अभी मैं नीचे उतर रही हूँ और पता चल रहा है कि नीचे उतर रही हूँ, पाँव आपको दबा के रखना पड़ता है कि फिसल ना जाए, रेड़े ना जाओ थले। साउथ भाई ने मुझे कहा था कि आप इस तरफ जा रही हैं तो लस्टना ट्रैक भी देखिएगा, वो वाला भी रोड अभी ओपन हुआ है तो उस पे भी विजिट करें, तो इसलिए सोचा कि चलो देखते हैं कि ये वाला रोड कैसा बना है। तो बड़ा ही कमाल का और शानदार है और हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये हफ्ता 10 दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है और हमें साफ सुथरा नीट क्लीन रोड देखने को मिला। आसमान इतना साफ है, ऐसे खूबसूरत नीला कलर है आसमान का, इतना शानदार लग रहा है सब कुछ। शहरों में तो अब हमें आसमान नजर ही नहीं आता क्योंकि पीछे गाड़ी आ रही है। अच्छा, इसका इतना शोर था मुझे लगा मैं पीछे देख नहीं रही, मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई ट्रक नुमा गाड़ी है, लेकिन नहीं, गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, उसकी शोर बहुत ज्यादा था। अब आ गई है जी चढ़ाई, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बड़ा ही मजे का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और इस रोड पे चलने का बहुत ही मजा आ रहा है, कमाल का लग रहा है सब कुछ। अभी सिर्फ ये रोड ओपन हुआ है, साइडों पर इसकी सेफ्टी नहीं बनाई गई, जैसे वो बना देते हैं ना साइडों पे, वो नहीं भी बना।
वाह जी वाह, कमाल है। अब मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो इसलिए जरा कम बोल रही हूँ। चलें जी, इंशाल्लाह आगे कुछ अच्छा मंजर आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं लसडाना टॉप पे, और ये पॉइंट है लसडाना टॉप, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं। वैसे ऊपर फॉरेस्ट वालों ने गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, टक शॉप है, रेस्टोरेंट है, आप वहाँ बैठ के जो है वो खाना पीना भी खा सकते हैं, तस्वीरें वीडियो बना सकते हैं। अगर किसी ने रात यहाँ पे रुकना है तो रुक सकता है। ये सामने भी होटल है, ये प्राइवेट हैं, ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के हैं। और यहाँ तकरीबन सर्दियों में जो है 14 से 15 फुट बर्फ़ पड़ती है, उतनी ही बर्फ़ यहाँ पड़ती है जितनी ताऊबट में पड़ती है। 8,500 फुट की बुलंदी पर है ये लसडाना पॉइंट। इधर आप चले जाएं अगर तो हाजी पीर है, महमूद गली है, और बेशुमार जगह हैं जी इस तरफ भी, और इधर ऊपर चले जाएं तो इस तरफ भी, तो काफ़ी खासा। अगर आप यहाँ पे भी आके इन जगहों पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। ख्वाजा बांडी, हाजी पीर, ख्वाजा बांडी आप अगर जाना चाहते हैं तो ये रास्ता इख्तियार करें। हाजी पीर जाना चाहते हैं जो सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर है, तो मकबूजा कश्मीर, वो भी यही रोड जा रहा है। और अच्छी खूबसूरत जगह हैं, आप लोग अगर विज़िट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप अपना हफ्ता 10 दिन का प्रोग्राम बना कर आएँ, और रहने का मसला नहीं है, हर जगह पर आपको गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। नीचे नेवी वालों का गेस्ट हाउस भी है, ये जैसे मैंने PTDC वालों का बताया वो भी है, तो आप आराम से कौन से जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन इलाकों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। ख्वाजा बांडी, हाजी पीर, तो जाएं जनाब, खुश आमदीद है आप लोगों को, आएँ पहुँच। ये है जी लसडाना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। अगर आप लसडाना आके रात गुजारना चाहते हैं, यहाँ स्टे करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रेस्ट हाउस अवेलेबल है फॉरेस्ट वालों का। ऊपर भी है, नीचे भी है, वहाँ ऊपर टक शॉप है, रेस्टोरेंट है, आपके बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह भी बनी हुई है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो बिल्कुल ही अलग व्यू मिलेगा आपको, बहुत ही खूबसूरत। जो कि देखने से ताल्लुक रखता है, देखें जरा क्या खूबसूरती है। आप यहाँ बैठ के उनको कहें यहाँ पे कुर्सियां लगा दें और आपको चाय, खाना, पकोड़े, नाश्ता जो करना है, अगर आपने इसको बुकिंग करवाई है इसकी, यहाँ ठहरना चाहते हैं, तो फिर आपके पास ये टेरेस है और ये खूबसूरत सा व्यू है। आए, बैठें, मौज मस्ती करें और कुदरत के नज़ारों को इंजॉय करें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक भाई, आप कब से हैं यहाँ? मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का है गेस्ट हाउस? टूरिज्म डिपार्टमेंट। कितने रूम है यहाँ? हमारे पास 3 रूम
ये बने हुए अच्छा। तीन रूम है हमारे पास। तो गर्मियों में ज्यादा रश होता है या सर्दियों में? नहीं, गर्मी में ज्यादा रश होता है क्योंकि टूरिज्म पॉइंट है, मेन पॉइंट ये वाला है, तो गर्मी में हमारे पास ज्यादा रश होता है और टूरिस्ट वगैरह हर जगह से हमारे पास आते हैं, लाहौर गुजरावाला वगैरह अच्छा। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जून, तकरीबन जून जुलाई इस महीने में ज्यादा टूरिस्ट का राज होता है यहाँ पे। खाना पीना हर चीज अवेलेबल है, गर्म पानी मिलेगा, हर चीज आपको अवेलेबल सब। तो हमें जरा कमरा तो दिखाएं। अच्छा जी, ये लसडना हम लोग पहुंचे हैं ऊपर टॉप पे, और ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट के रूम्स हैं, ये गेस्ट हाउस है जहां पर आकर आप आराम सुकून से एक कमरा बुक करवा लें, दो करवा लें, तीन करवा लें, टोटल इनके पास चार कमरे हैं। तो आप यहां पर आके सुकून से मजे से रह सकते हैं। और अगर आपको यहां पे मैं दिखाऊं, वो जरा रूम की लाइट्स ऑन कर लें, देखिए कितना खूबसूरत इस टेरेस से व्यू है, आपको दूर दूर पहाड़ नजर। अच्छा, ये सारे ग्रीन होते हैं क्योंकि ये नवंबर का महीना है, घास जो है वो जल चुका है, अपना रंग बदल चुका है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि मिट्टी है, वो मिट्टी नहीं है, वो घास ही है। गर्मियों में वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, जैसे ये दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले दरख्त जो हैं चीड़ के, ये अपना रंग नहीं बदलते, ये ऐसे ही रहते हैं। तो चलें देखते हैं इनके कमरे कैसे हैं। अच्छा, तो सर्दियों में कभी कोई आके यहाँ नहीं ठहरा? बर्फबारी में तो ये रोड क्लियर होता है, मशीनें लगी होती हैं? जी, ये रोड मेन रोड जो है ये क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है, ठीक है। लाइट्स किस तरफ है? अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये कमरा है जिसमें दो बेड लगे हुए हैं। ये रूम है जिसमें दो बेड लगे हुए हैं, दो दो चेयर्स पड़ी हैं, इधर वॉशरूम है, अलमारी है कपड़े रखने के लिए, तो यहां पर भी रहा जा सकता है। जो इनका थोड़ा सा ये वॉशरूम देख लेते हैं जी। अच्छा, फ्लश सिस्टम है यहाँ पर वॉशरूम में, लेकिन अच्छा है, साफ सुथरा, गर्म पानी भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आकर अपना अच्छा खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो इनके थोड़े वीआईपी रूम है, एक उसमें डबल बेड लगा हुआ है और ऐसे चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, अदरवाइज सिंगल बेड हैं सारे रूम में। ये दूसरा कमरा है, इसमें भी सिंगल बेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले जो कमरे हैं, उन्होंने खुद बताया मुझे कि इनमें सिंगल सिंगल बेड है। जो इनका थोड़ा स्पेशल रूम है उसमें डबल बेड है लगा हुआ, और वही फ्लश सिस्टम और गर्म पानी मिलेगा गर्मी सर्दी आपको। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप अपना कोई नंबर शंबर देना चाहें तो आप बता सकते हैं। 0355 तर्जुमा कर लेना। तो जनाब, हमने आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट का दिखाया गेस्ट हाउस, यहाँ चार कमरे हैं, तीन कमरों में सिंगल बेड है, एक कमरा जो है उसमें डबल बेड लगा हुआ है, वो थोड़ा वीआईपी कमरा है, और बहुत ही मुनासिब, यानी मुनासिब से भी नीचे अगर कहा जाए तो वो रेंट है इसका। खाने पीने की हर सहूलत मौजूद है, गर्म पानी की सहूलत मौजूद है, बिजली है, सामने टावर लगा है, आपके सिग्नल भी आएंगे, तो मौजा ही मौजा है जी। तुसी आओ ते मौजा करो। हाँ जी, तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो गेस्ट हाउस है उसके कैफेटेरिया में। मैंने सोचा आए हैं तो जरा मुकम्मल इसकी तफसील देख लेते हैं, आपको बता भी देते हैं। तो ये जनाब हम जा रहे हैं कैफेटेरिया एरिया और देखते हैं यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं भूल गई थी, वो मैंने आपको कहा कि मुनासिब सा रेट है, ये कौन सा, कोई प्राइवेट है जिनको कोई एतराज़ होगा, तो गवर्नमेंट के हैं, इसका 3300 रुपया 3300 आपको इसका रेंट देना पड़ेगा पर नाइट, और लोशे हैं।
जी ये आप लोगों का कैफेटेरिया है, खाना पीना सब कुछ यहाँ से मिलेगा। यहाँ बैठ के खाना चाहते हैं या अपने रूम में मंगवाना चाहते हैं या ऊपर टेरेस पे बैठ के खाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा किचन आपका इस साइड पे है? अच्छा तो इन दिनों में फिर आपने अपने कुक को छुट्टी दी होती है या वो 24/7 यही होता है? नहीं हमारा कुक ना अवेलेबल होता है, आता ही नहीं। अच्छा हर वक्त होता है, जब भी कोई आ जाए खाना जो है अवेलेबल है। और अगर आपको यहाँ पीछे दिखाया जाए तो यहाँ कुदरती माहौल के अंदर कमाल का ये रेस्ट हाउस है, कैफेटेरिया है। बॉनफायर के ये आग के लिए है। अच्छा जी, अच्छा ये देसी किचन है इसका, ये देसी किचन भी है जनाब इनका, जैसा कि होता है गांव में। आप लकड़ियां जलाएं, बैठ के खाना खाएंगे या खुद कुकिंग करेंगे? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत कमाल का है। चले जी इंशाल्लाह। अभी तो हम लोग ये प्लान करके नहीं आए थे, ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। जो किसी ने हमें रिकमेंड किया कि हम इस साइड पे भी आए, तो इस साइड पे आए। नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह आएंगे तो यहाँ 2-3 दिन स्टे करेंगे और आसपास की जो जगह है वो भी देखेंगे और कोशिश करेंगे। हाजी पीर भी यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ नहीं हम एंड तक जाएंगे ना, बॉर्डर तक जाएंगे। हाँ वो फिर हम उसके लिए जरा ऐसे भागम दौड़ में नहीं कर सकते, उसके लिए तसल्ली से आप आए और फिर तसल्ली से हर जगह को विजिट करें, फिर मजा आता है। ताकि देखने वाले जो है उनको भी अच्छा लगे कि कोई चीज दिखाई है तो वो अच्छी। जी तो जनाब हम लोग आपको लेके आए थे लस्टाना टॉप। यहाँ पर आपको हमने दिखाया टूरिज्म डिपार्टमेंट का बड़ा खूबसूरत गेस्ट हाउस जिसमें 4 कमरे हैं, 3300 रुपए किराया है और कैफेटेरिया भी आपको पूरा विजिट करवाया। उनके पास देसी और वलायती दोनों किचन मौजूद हैं। आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बुकिंग करवा के आ सकते हैं। बाकी जो भी आपने जाना है, हाजी पीर जाना है, नीचे वाली साइड पे जाना है, ऊपर जाना है, जहां पे भी जाना है, कम से कम 8-10 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए और मुझे उम्मीद है ये वाला व्लॉग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ से हमारी वापसी है, हम जाएंगे तौली पीर और तौली पीर की सैर कराएंगे आपको। हाजी पीर खाजा बांडी हम नहीं जा रहे क्योंकि अगर जाएंगे तो कम से कम हम आज की रात वहाँ रुकेंगे तो रुक नहीं सकते, और बेशुमार मामलात हैं जो हम लोगों ने तय किए हुए हैं उनके मुताबिक हमें वापसी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको तौली पीर।